दोस्तों आज जानेंगे हम लोग कि मेन प्रॉफिट क्या होता है। इसको कभी कभी प्रोनाउंसिएशन कर देते हैं कि मिसिंग प्रॉफिट। मिसिंग प्रॉफिट नहीं होता, मेन प्रॉफिट होता है। इसमें यह होता है कि जैसे कोई प्रॉपर्टी अचल संपत्ति है और उसको कोई कब्जा कर लेता है, अब वो जो दूसरा पक्ष रहेगा वो कहेगा कि महोदय यदि ये कब्जा हमारे संपत्ति पे नहीं करते तो हम उसमें जो है कोई खेती कर लेते या कोई मकान बनवा लेते या उसको किराए पे दे देते, हमारा फ़ायदा होता। अब उस फायदों को प्राप्त करने के लिए एक वाद प्रस्तुत किया जाता है जो न्यायालय के सामने, और जैसे कि हम लोगों ने देखा होगा आर्डर टू रूल टू में जो कोई भी रिलीफ हो, रिलीफ उसको एक ही बार में मांग लेना चाहिए। तो जो पक्ष रहेगा, जो प्लेंटी पक्ष रहेगा, वो कहेगा कि मदर अगर यदि ये प्रॉपर्टी को नहीं कब्जा करते तो मैं उससे काफ़ी फ़ायदा पहुंचा लिया होता, मुझे फ़ायदा मिल गया होता। तो इसी के जो फ़ायदा मिलता हमें पहले, अब वो नहीं मिला, मदर इस फायदे को हमको जो है रिलीज करवाया जाए, तो इसी को बोलते हैं, इस इन दशाओं में जो रिलीफ मिलती है उसे एक को कहते हैं मिसिंग प्रॉफिट, यानी सॉरी मीन प्रॉफिट।